पहला प्रश्न है हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता। जैसे हाइपर काइनेटिक एक विकार है और उसकी कई विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं में कहा निम्नलिखित में से, सभी विशेषताएं नीचे लिखी, इन विशेषताओं में से निम्नलिखित विशेषताओं में से इसे छोड़कर, मतलब किसे छोड़कर या केवल एक को छोड़कर, से सभी जगह है। मतलब हाइपर काइनेटिक विकार उसकी विशेषता तीन में तो है, पर एक ऐसा ऑप्शन है जो हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता में नहीं आता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन चुनना है जो हाइपर काइनेटिक विकार से संबंधित नहीं है। तो पहले तो हम हाइपर काइनेटिक को समझें, तो काइनेटिक समझते हैं फिर हाइपर को लगा देंगे। काइनेटिक मतलब वही ऊर्जा और गति से संबंधित जो दिखाई देती है, बालक जो गति से संबंधित चीज़ें करता है उनसे संबंधित कहला, उनसे संबंधित विकार कहलाया काइनेटिक विकार, उसमें हाइपर और जोड़ दिया, मतलब आवेग वाला बात, आवेग आ गया। तो आवेगी गति संबंधित विकार की विशेषताएं किन पर लागू होती है, ये समझने के बाद हमें ये चुनना है किस पर लागू नहीं होती है, किसकी विशेषता नहीं है। तो डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, अतिसक्रियता, मतिभ्रम या फिर इम्पल्सिटिविटी, इम्पल्सिविटी, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों इंग्लिश में दिए हैं, केवल दो हिंदी में दिए हैं और दो इंग्लिश में दिए हैं। फिर समझते हैं, पहले तो ये समझिए डिस्ट्रैक्टिविटी क्या है। डिस्ट्रैक्टिविटी, डिस्ट्रैक्टिविटी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, किसी से ध्यान हट जाना या समझ नहीं पाना, कुछ और समझ जाना, है ना, तो वो कहलाता है डिस्ट्रैक्टिविटी। आप चित्र में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, लग रहा कुछ है, अचानक देखोगे कुछ और होता है। अतिसक्रियता मतलब नॉर्मल सी बात पर अधिक एक्टिवेट हो जाना, भड़क जाना, इसे कहते हैं सनक टाइप से जाना, वो अतिसक्रियता, हाइपर एक्टिविटी हुआ। इसमें ADD, ADHD आपने सुना होगा, अटेंशन वाली बात वही है यहाँ पर। मतिभ्रम ये क्या चीज़ है, इसे भी आप चित्र में देखो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये मतिभ्रम कहलाता है, मतलब आप चकरा जाते हैं, आपकी आंखें काम नहीं करती, वो कहलाता है मतिभ्रम। इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी से क्या मतलब, इसे भी आप बिल्कुल सरलता से समझ लीजिए, चित्र में देखेंगे। इम्पल्सिटी मतलब ऐसे बच्चे जो अपनी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते दूसरों से, अपनी में मग्न रहते हैं, बात सबकी सुनते समझते हैं पर उनकी आँखें झुकी टाइप की रहती हैं, ये भी एक शरीर से संबंधी विकार है, रोग है। अब ये पूछा है कि हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर से सभी जगह है, तो इन डिस्ट्रक्टिविटी, अतिसक्रियता और इम्पल्सिटिविटी ये सब शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, पर मतिभ्रम ही किससे संबंधित है, माइंड होता है इसमें। मत कोई चीज़ देखी और आप बिल्कुल चकरा गए, तो कौन चकरा है, शरीर या पर माइंड, माइंड दिमाग काम करना बंद कर देगा, यहाँ पर शरीर की गतिविधि होती है, इसलिए इसका आंसर होगा 3। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा था ये क्वेश्चन, बिल्कुल सरल था, हिंदी मीडियम का कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले, शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और खालिस्तान के साथ डील करनी चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में जो लगातार बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं, मानक मूल्य, तो उनके साथ कैसे डील करें, वो बदलते परिवेश के साथ क्या करना चाहिए शिक्षक को, किसके साथ डील करें, वो पाठ्य विवरण के साथ, पाठ्यचर्या के साथ, आकलन के साथ या परीक्षा प्रणाली के साथ, सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। एक बात मैं बता दूं, करिकुलम जो वर्ड है या पाठ्यचर्या, आप पढ़ेंगे CURRER से इसका उत्पत्ति हुई है, तो पाठ्यचर्या में स्कूल का, विद्यालय का ग्राउंड, छात्र, टीचर और पुस्तकें, दिनचर्या, सब कुछ, पुस्तकालय आदि सब कुछ आ जाता, परीक्षा भी पाठ्यचर्या में शामिल होती है, इसीलिए इसका आंसर पाठ्यचर्या करेंगे तो ये चार सारे के सारे ऑप्शंस इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे का मानना था, जीन प्याजे, कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। प्याजे का मानना था कि बच्चे में जो भाषा का विकास है, वैसे प्याजे और वायगोत्स्की समकक्ष हैं, दो मनोवैज्ञानिक है ना, और वायगोत्स्की को ही विकसित किया है प्याजे ने, वायगोत्स्की ने भाषा को और मुख्यता दी है, प्याजे ने नहीं दी है, परंतु फिर भी प्याजे ने जो सिद्धांत दिया, उसमें भाषा का जो नाम लिया है वो निम्न के परिणाम स्वरूप होता है, उसकी अपेक्षा से भाषा का विकास कैसे होता है, तो ये नॉर्मली संज्ञानात्मक है, आत्मकेंद्रित है, व्यवहारात्मक है, पर्यावरणीय विकास, तो प्याजी का नाम प्रसिद्ध संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, इसलिए इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या है भाई, मैरी बहुत निर्गामी है,
अभी मैरी आप मेरी मत समझिए, मैरी नाम है, यहाँ पर देखिए समझेंगे इंग्लिश से, मैरी इज़ वेरी आउटगोइंग, तो मैरी बहुत निर्गामी मतलब बहिर्मुखी टाइप से है। वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी भी है, वो निर्गामी आउटगोइंग है और वह एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम की नर्तकी है, लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं लाती, परंतु जो पढ़ाई में है उसके अंक अच्छे नहीं आते। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक लाभप्रद है बताइए भाई, मैरी को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वो अधिक लाभ ले सके, भ्रमण या आमोद प्रमोद के द्वारा, विचाराभेश विधि द्वारा, ग्रेड वृद्धि द्वारा या व्यक्तिगत शिक्षण द्वारा? मैरी नाम की लड़की को कैसे पढ़ाना चाहिए जो कि जो आउटगोइंग टाइप की लड़की है बहिर्मुखी? तो व्यक्तिगत शिक्षण तो किसी को भी हो सकता है, चाहे अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी, इसलिए ऑप्शन विशेष नहीं है। ग्रेड वृद्धि ये किसी प्रकार से मान्य नहीं है। विचाराभेश विधि मतलब एक तरह से विचारों में आवेश करवाना है ना, तो ये कहीं कहीं बहुत नॉर्मल, बहुत सूक्ष्म, बहुत कम रूप से इसका यूज होता है। कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विचाराभेश विधि का प्रयोग करके भी बताऊंगा। यह भ्रमण और आमोद विधि का प्रयोग अधिक लाभप्रद होगा, यही इसका ऑप्शन सही होगा, इसलिए होगा बहिर्मुखी निर्गामी टाइप की वो बच्ची है मैरी, इसलिए उसको भ्रमण से आमोद प्रसन्न से अच्छे से समझाया जा सकता है, ना कि कक्षा आदि में, क्योंकि वो उसका नेचर वैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान की घटना, ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। खालिस्तान की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है। अधिगम की प्रक्रिया में यदि स्थिरता आती है तो कौन सी घटना से, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ क्वेश्चन ये और समझेंगे अच्छे से कि खालिस्तान घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत है, मतलब अधिगम की प्रक्रिया में जो स्थिरता आई है उसके लिए अधिगम सिद्धांतों में, अधिगम प्रक्रिया में क्या कहा जाता है, ये नाम पूछा तो उसके लिए क्या कहते हैं? देखो भाई अभिप्रेरण, अरे आपने आंसर ही देख लिया, कोई बात नहीं, पर समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक तरह से प्रेरणा देना है। इसरांग प्लेटू क्या है, मैं समझा देते, प्रगति तो आप समझ रहे हैं, प्रोग्रेस करना है, और वक्र कर्व, कभी आप पठार या उसका निर्माण की बात पढ़ेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें कितना कार्य बच्चा कर रहा है, कहाँ स्थिर है, कहाँ अधिगम अच्छे से हो गया, कहाँ नहीं हुआ, इस सब का भी लेखा जोखा होता है। और उस लेखा जोखा में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, अच्छा सीखते जा रहा है, अच्छी बात है, और जो सीखा वो उसमें स्थिर याद हो गया तो उसको क्या कहते हैं, उसको संकेत का नाम क्या है? तो ये स्थिरांक या प्लेटू या पठार नाम से इसको कहा जाता है कि अधिगम अब स्थिर हो गया बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिख गया, कोई बात नहीं। समावेशी कक्षा में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? समावेशी कक्षा समझे पहले तो क्या है, जहाँ बहु सांस्कृतिक या विभिन्न वर्ग के बच्चे आए वो समावेशी कक्षा है। तो छात्र को नौकरी के लिए तैयार, तो मुख्य उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का? नौकरी उद्देश्य है क्या? परीक्षा पास कराना है क्या? छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना है? छात्रों को नोट्स प्रदान करना है? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न कारण से होते हैं। देखो विकास मतलब परिपक्वता या परिवर्तन, ये विकास है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, विकास कहलाए। ये कह रहे हैं विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते जो निम्न कारण से, तो विकास नॉर्मली होता है पर कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनसे भी परिवर्तन होता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो विकास के परिवर्तन में सम्मिलित नहीं होते? विकास मतलब परिवर्तन, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं है, ऐसे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होंगे जो निम्न कारण होंगे, जैसे आपने कपड़े बदले परिवर्तन हुआ तो ये विकास नहीं है, आपकी हाइट बढ़ी, आपका दिमाग बढ़ा, ये विकास है। तो ऐसे कौन से और कारण हैं जो विकास में शामिल नहीं होंगे? बीमारी से होगा जो विकास, बीमारी से जो परिवर्तन आएगा वो क्या विकास में शामिल होगा? नहीं, यही आंसर है इसका। बीमारी के कारण से यदि आपके शरीर में, दिमाग में कोई कमी हुई या वृद्धि हुई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, उससे जो परिवर्तन हुआ वो विकास नहीं है। बाकी अधिगम से जो परिवर्तन आएगा वो विकास है, परिपक्वता विकास ही, और बुढ़ापा आना भी एक तरह से विकास है, वृद्धि है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वायत्ता बनाम, बहुत प्यारा प्रश्न, स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट,
कि एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण में प्रमुख घटक हैं। अब ये घटक क्या चीज़ है और मनोसामाजिक, ये तो लंबी कहानी है। एरिक एरिक्सन ने एक सिद्धांत दिया है मनोसामाजिक का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और इन्हीं के समकक्ष थे कौन, सिगमंड फ्रायड। याद रखना मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की प्रवर्तक जो एरिक एरिक्सन है, इन्हीं के समकक्ष कौन थे, सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड के ही सिद्धांत को इन्होंने विकसित किया है, और इन्होंने विकास के 8 चरण बताए, ठीक है, 8 चरण के नाम दिए। उन 8 चरणों में पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास, और दूसरा चरण है ये स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, ये दूसरे चरण का नाम है। अब उस चरण में चर्चा ये होती है कि प्रत्येक चरण में कोई ना कोई एक तरह से घटक होता है जो उस चरण में उसके लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है या प्रतिक्रिया देने में कारण होता है या सहायक होता है। तो जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई, दूसरा चरण बताया, इसमें मनोसामाजिक चरण के घटक क्या है, उसके आसपास बालक का जो विकास हो रहा है, और जब वो एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाओं में से, एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई मनोसामाजिक चरण में, तो 8 अवस्थाओं में से दूसरे चरण में आया वो, तो दूसरे चरण में उसके आसपास कौन से लोग होते हैं। जैसे वृद्ध है तो वृद्धावस्था में उसके आसपास माता पिता नहीं रहेंगे, वो बूढ़े हो गए, वो तो कभी के निपट गए माता पिता। तो ये जो दूसरी अवस्था में मतलब बालक है, तो इस बालक के चरण के प्रमुख घटक क्या है, मतलब आसपास रहने वाले लोग कौन है, प्रारंभिक सहायक, परिवार, माता पिता या शिक्षक और साथी। तो दूसरे घटक में माता पिता होंगे या शिक्षक साथी होंगे या परिवार होगा या कौन से लोग होंगे, तो दूसरे घटक में माता पिता होंगे, पहले घटक में माता की मुख्यता होती है, दूसरे में माता पिता, तीसरे में परिवार और शिक्षक साथी आदि, ऐसे चलता है। ये आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं भाई ये लोग, एक बच्चा फूलदान तोड़ता है, ठीक है, तो उसे उसके माता पिता समझाते हैं कि यह गलत था, और उसे बताते हैं कि 1 हफ्ते के लिए उसे जेब खर्च नहीं मिलेगा। यह किस प्रकार का पालन पोषण, माता पिता पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चे ने गलती करी, उन्होंने बोला कि आपके लिए 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा, ये किस प्रकार का पालन पोषण है, व्यवहारवादी है, सत्तावादी है, आधिकारिक है या फिर अनुमोदक है, ठीक है। अब देखना है कि उत्तर क्या है। तो जैसे व्यवहारवादी में भी दंड और पुनर्बलन और प्रेरणा के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है, और ये एक तरह से दंड ही है, तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। सत्तावादी, इन्होंने सत्तावादी की अंग्रेजी में क्या लिखा है, थोड़ा छोटे छोटे अक्षर हैं, ऑथोरिटेरियन और यहाँ पर ऑथोरिटिव, दोनों शब्द एक तरह से समान है, बस थोड़ा एक एडजेक्टिव के रूप में है और एक नाउन के रूप में बना दिया, ठीक है, पर ये दोनों शब्दों में खास कोई अंतर नहीं है। ऐसे प्रश्न इनको नहीं डालने चाहिए, फिर भी 3। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, व्यवहार एक अगर अलग सोच से सोचा जाए तो व्यवहार बाद में दंड और पुरस्कार की बात की जाती है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ दंड मिल रहा है उसे। सत्तावादी, पिता की सत्ता है, पर इसको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माता भी है सत्तावादी है, और इसको भी इसलिए लेना चाहिए क्योंकि माता पिता की सत्ता है भाई, तो जैसा करेंगे वैसा उसको अब समझना पड़ रहा है। आधिकारिक रूप से भी माता पिता उसके आधिकारिक रूप से माता पिता हैं और वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। अनुमोदक तो नहीं करेंगे क्योंकि वो अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे कि आप ऐसा करिए और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हट जाएगा, बाकी 3 सही रहेंगे। अब 3 में से पहला भी इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एक माता पिता से कंडीशन की बात दे दी इन्होंने, व्यवहारवाद एक सिद्धांत है, एक व्यवस्था है, इसलिए ये भी हट गया। अब बचे सत्तावादी और आधिकारिक, तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अब इन्होंने क्या उत्तर दिया अब हम देखते हैं, आधिकारिक लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे प्रश्नों में दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वलीनता आप समझते होंगे, आपको नहीं पता हो तो चित्र में देखें। स्वलीनता में बच्चे समझते सोचते तो हैं पर वो किसी से नज़रें नहीं मिलाते, अपनी झुकी नज़रें अपनी में ही मग्न रहते हैं, तो स्वलीनता से पीड़ित बच्चे कैसे होते हैं, दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ होते हैं, आराम से घूमने में असमर्थ, नींद लेने में असमर्थ, निर्देशों के पालन करने में असमर्थ। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कैसे होते हैं, तो ऐसे झुके झुके बैठे रहेंगे, सुनेंगे सब करेंगे सब उनको पता होता क्या हो रहा, पर वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 1। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के खालिस्तान अवस्था के दौरान
बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। संज्ञानात्म विकास की चार अवस्थाएं हैं, खाली स्थान अवस्था के दौरान, चार में से ऐसी कौन सी अवस्था के दौरान बच्चे वस्तु में हेर फेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे ने वस्तु को उठाया, ऐसे वैसे किया, तो जो ये इस तरीके से बच्चा जो वस्तु को समझता है, ये कौन सी अवस्था में समझता है? चार अवस्थाओं में थे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सेंसरोमीटर अवस्था कौन सी है? संविदा पेशी को इन्होंने सेंसरोमीटर इंग्लिश में लिख दिया, और इसकी हिंदी भी इन्होंने सेंसरोमीटर ही की, गलत बात है। और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये धोखा था हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो सेंसरोमीटर अवस्था इसका आंसर होगा, क्योंकि पहली अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व तो आता है, और उसी अवस्था में बच्चा ऐसे ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया। गेस्टाल्टवादियों के नाम से कौन प्रसिद्ध? थॉर्नडाइक, कोहलर, पियाजे या पावलोव? अभी ये सरल क्वेश्चन है, कहीं कहीं क्लासिकल जुड़ जाने से इसको पावलोव से जोड़ देते हैं, पर क्लासिकल से शुरुआत भले ही पावलोव की होती, पर पावलोव का सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग, और यहाँ है क्लासिकल गेस्टाल्ट सिद्धांत। अब क्लासिकल को इंग्लिश में लिख दिया और गेस्टाल्ट को भी इंग्लिश में लिख दिया, पर सिद्धांत हिंदी में लिख दिया, क्या तरीका है? फिर भी तो क्लासिकल मतलब शास्त्रीय समग्र सिद्धांत का जो है वो सिस्टम दिया कोहलर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विविधता के प्रभाव को कम करने का एक तरीका बच्चों की निम्न, विविधता के प्रभाव को कम करना है। विविधता पहले तो ये समझें क्या है, डाइवर्सिटी। हमारे देश में जो विविधता है, सभी संस्कृति समाज के लोग रहते हैं, वही है, तो इसके प्रभाव को कम करना है कि भाई सभी एक हो जाएं, सोच थोड़ी समान हो, विकसित हो, देश से संबंधित हो, तो कहा विविधता के प्रभाव को कम करना है। तो इसके लिए बच्चों को निम्न किस चीज़ की अनुमति दें जिससे विविधता का प्रभाव कम हो और वो एक हों, इसके लिए क्या करना चाहिए, किसकी अनुमति देना चाहिए? एक दूसरे पर जीत हासिल करने की बात, इससे तो और भड़कना होगा, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं एक दूसरे पर जीत हासिल करने की अगर छूट देंगे तो। अलग अलग समूहों में काम करने, इससे विविधता का प्रभाव कम नहीं होगा, अलग अलग समूह बनाएंगे तो भी विविधता और बढ़ेगी। फिर तो वो अपने स्वयं के छोटे समूहों को शुरू करने की, इससे भी विविधता बढ़ेगी, अलग लोग विभाजित होंगे। एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने की, अलग अलग संस्कृति या समूह के लोग हैं उनके साथ एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाइए। मेलजोल बढ़ाएंगे तो तमिल वाला हिंदी सीखेगा, हिंदी वाला तमिल सीखेगा, पूरब वाला उत्तर की संस्कृति सीखेगा, उत्तर वाला दक्षिण की सीखेगा, तो जो विविधता का प्रभाव है वो कम होगा और एक दूसरे से लोग मिलजुल कर एक होंगे। तो इसको के प्रभाव को कम करना है तो क्या उत्तर रहेगा इसका? नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं भाई, इयान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार, आ गया हुई क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंध अनुसार, हिंदी इसकी ये होगी पर इन्हें हिंदी में नहीं लिखा। तो इयान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रक्रिया दूसरे संबद्ध उत्तेजना के लिए एक सतत प्रतिक्रिया बन जाती है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सिद्धांत की परिभाषा लिख दी है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया, उत्तेजना के लिए एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया, मतलब वही भोजन को देखकर लार आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कुत्ते की, और दूसरे संबद्ध उत्तेजना से, दूसरे घंटी से संबद्ध कर दिया तो घंटी में भी बजने पर लार आने लगी, उत्तेजना के लिए सतत सशर्त प्रतिक्रिया बन जाती है। अगर घंटी बजेगी तो लार आएगी, ये सतत प्रतिक्रिया बन गई उसकी, शर्त यही घंटी बजे तभी आएगी, भोजन के साथ साथ भोजन के बिना भी आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उनके सिद्धांत पर सूट करता है? अब ये क्वेश्चन का पूरा कोई मतलब नहीं था, सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत पर निम्न में से कौन सा उदाहरण सूट करता है, ये क्वेश्चन है। देखते हैं पहला उदाहरण, विद्यालय में घंटी बजने को अवकाश का संकेत समझते हैं कौन? बच्चे। बच्चे विद्यालय में जैसे घंटी बजी तो अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। या फिर मतलब ये कह रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सी चीज, उदाहरण कौन सा सही है, कौन सा लागू होगा? दूसरा, जब शिक्षक हाथ उठाता है तो बच्चे चुप्पी बनाए रखते हैं, ये सही है क्या? दौड़ के अंत तक पदक जीत प्राप्त करने की उम्मीद रखने वाले बच्चे, दौड़ के अंत तक पदक प्राप्त रखने की उम्मीद है उनकी, तो ये वाला उदाहरण सेट हो रहा है इनके सिद्धांत में क्या? या फिर कक्षा में पूछे गए सही उत्तरों के लिए स्टार स्टिकर प्राप्त करने वाले बच्चे,
ये सही है, तो कौन सा सही है ये पूछा क्वेश्चन एक बार फिर से समझे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा सिद्धांत लागू होता है या कौन सा उदाहरण सेट होगा। तो सबको पता है कि एक असंबद्ध उद्दीपक से संबद्ध की ओर बढ़ना, जैसे उसका कोई मतलब नहीं है, घंटी से लार का कोई मतलब नहीं पर वो धीरे धीरे सीख गया, ऐसे ही घंटी बजना बात अलग है, विद्यालय घंटी बजना बात अलग है और अवकाश होना बात अलग है, परंतु जैसे ही घंटी बजती है और बच्चे समझ जाते हैं कि छुट्टी होनी है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में ये वाला उदाहरण संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार, संज्ञानात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के कार्यस्थान में बदलाव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। संज्ञानात्मकवाद किसका है सबको पता है, तो अधिगम को शिक्षार्थी के खालिस्थान के बदलाव के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अधिगम में शिक्षार्थी के अंदर जो विद्यार्थी के अंदर जो बदलाव हुआ, तो शिक्षार्थी के खालिस्थान में बदलाव के रूप में, तो किस में बदलाव होता है? संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बालक में जो अधिगम हुआ और अधिगम से जो बदलाव हुआ उसको किस शब्द के रूप में परिभाषित किया है संज्ञानात्मक विकास में? व्यवहार में, मंतव्य में, मानसिकता में या नैतिकता में? तो स्कीमा ये प्रसिद्ध है उनका नाम, इसलिए इसी का ये उत्तर हो जाएगा। ये पेपर सरल लग रहा है मुझे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है? बिंघम मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। बिंघम के अनुसार अभिवृत्ति परीक्षण क्या है? वैसे अभिवृत्ति परीक्षण क्या है, तो क्षमताओं का परीक्षण ही है, आप में क्या क्षमता, क्या योग्यता है ना। तो परंतु यहां नॉर्मल नहीं पूछा है अभिवृत्ति परीक्षण से क्या पता चलता है, परिभाषा नहीं पूछी, यहां पूछ रहे अभिवृत्ति परीक्षण से पता क्या चलता है बिंघम के अनुसार। ऑप्शंस देखते हैं, व्यक्ति के मूल स्वभाव में क्षमताएं प्रवृत्तियां, अभिवृत्ति से ये पता तो चलता है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ो, विभिन्न अनुवांशिक योग्यता में उपलब्धि, प्रावीणता और अभ्यास करने की तत्परता और विभिन्न आनुवांशिक योग्यता की सामर्थ्य। अब ये वैसे देखा जाए तो अभिवृत्ति परीक्षण से ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है और ये भी, और विभिन्न आनुवांशिक, आनुवांशिक ना होता तो हटा सकते हैं इसको, योग्यता में उपलब्धि ये भी पता चलता है इस परीक्षण से। तो सर कौन सा चुने? अब यहाँ पर पूछा बिंघम के अनुसार क्या है, तो बिंघम ने क्या माना है ये पूछा गया है। तो प्रवीणता और अभ्यास करने की तत्परता, शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि बिंघम ने यही माना है, पर ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये याद भी करना पड़ेगा किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये डीप क्वेश्चन पूछ लिया कि उन्होंने क्या माना है ये बताइएगा। वैसे ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, तीन वही मैंने कहा था कि ये सुना था तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा जूम कर लें फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे को कोबरा से डरना सिखाया गया, एक बच्चा है उसको किससे डरना सिखाया गया, कोबरा सर्प है। अब वह सभी सर्पों से डरता है, कोबरा से डरने की बात कही गई, अब वो सभी से डरने लगा, यह कौन सा अधिगम का सिद्धांत इस पर, इससे क्या समझे आप, ये कौन सा अधिगम है? डरना उसने सीखा और वो सभी से डरने लगा, तो ये कौन सा अधिगम कहलाया? पुनर्बलन बिल्कुल नहीं है, पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट अलग चीज़ है, स्वतः पुनरावर्तन, पुनरावर्तन फिर से पुनरावर्तन, पुनरावर्तन में फिर से किंग कोबरा आता है फिर डरे तो बात अलग है, यहाँ ये कही अब वो किसी भी सर्प से डरेगा, ठीक है। अब जैसे किसी को गाड़ी चलाना आ गई तो वो दूसरे की गाड़ी भी चला लेगा, ये समझ लो इसको ऐसा। उद्दीपक सामान्यकरण या उद्दीपक विभेदीकरण, यहाँ पर उद्दीपक आंसर होगा उद्दीपक सामान्यकरण, क्योंकि उद्दीपक एक सर्प है, अब सर्प एक से डरता है तो वो दूसरे भी डरता है, ये सामान्यकरण कर लिया, जिसका उत्तर होगा तीन, याद करने वाली बात है समझने वाली भी है। व्यक्तित्व आकलन के लिए कार्ल यंग का दृष्टिकोण है, व्यक्तित्व का आकलन करना है, पर्सनैलिटी को समझना है तो कैसे समझेंगे आप, क्या तरीका है, किसके अनुसार? कार्ल यंग के द्वारा, बहुत सारे तरीके, पर कार्ल यंग ने क्या माना है, निर्णयी, संवेदन, संरचनित या प्रक्षेपीय? तो जो कार्ल यंग का दृष्टिकोण है वो प्रक्षेपी है, देख करके ना होकर उसको कुछ दिया जाए, उसके जो दिया गया उस पर जो प्रतिक्रिया देगा उसके आधार पर व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है कार्ल यंग का।
जैसे व्यक्तित्व प्रक्षेपण विधियां भी हैं, हरमन लोटसा का परीक्षण है, मिनिसोटा MMPI है, तो ये परीक्षण आते प्रक्षेपी में, तो इससे व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। कार्यालयंग का मानना है प्रक्षेपी विधि से ये कर सकते हैं, बेटर होगा। ये भी बिल्कुल बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने क्या माना, ये जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार के जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैविक रूप से निर्धारित, पूर्ण पहले से ही जैविक रूप से निर्धारित है व्यवहार की जन्मजात पैटर्नों को दर्शाना है, तो इनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। भाई जन्म से ही जैविक रूप से ही उसके व्यवहार कुछ करता है वो, और उसके जन्मजात पैटर्न को दर्शाना है, तो ये क्या चीज है, उसको आप कौन सा शब्द कहा है, उत्तेजना कहा है क्या, अंतर नोत कहा है क्या, ड्राइव्स कहा है क्या, प्रेरक मूलवृत्तियां क्या है, प्रलोभन कहा है। तो जन्मजात जो पाई जाता है वो क्या कहलाता है, सभी को पता है मैकडूगल का जो 14 मूलवृत्तियां, वही इसका आंसर होगा। जैविक रूप से निर्धारित व्यवहार की जन्मजात, ये शब्द आ गया ना, जन्मजात पहले ही से है, जन्मजात है, जन्मजात पैटर्नों को दर्शाने के लिए मूलवृत्तियां आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन आज का देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं है ये पूछा है। तो जानकारी संग्रहित करना, जानकारी को संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना या जानकारी प्राप्त करना। स्मृति मतलब एक तरह से याद करना, तो स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, याद करने की प्रक्रिया में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जानकारी संग्रहित करना मतलब एक तरह से दिमाग में रखना, याद करना ही है। जानकारी पर संकेतीकरण करना, सूचना पर कार्य करना और जानकारी प्राप्त करना, तो जानकारी प्राप्त करना भी एक तरह से भाई प्राप्त किया, दिमाग में रखा, तो ये भी एक सिस्टम में आएगा, ठीक है। जानकारी का संकेतीकरण करना, अब यहाँ इन्होंने बिल्कुल संकेतीकरण करना गड़बड़ कर दिया, जानकारी को संकेत देना ये क्या, संकेतीकरण ये सब ऐसे हिंदी में कर सकते हैं पर ये सूट नहीं करेगा रूढ़िवादिता के सिस्टम में। संकेतिक यहाँ पर संकेतीकरण मतलब जानकारी को व्यवस्थित करना है, डिकोडिंग करना, एनकोडिंग यहाँ लिखा हुआ है, एनकोडिंग करना मतलब एक तरह से अपनी तरीके से दिमाग में सेट करना, ठीक है। जैसे रामायण एक सात कांड है, कोई किसी तरीके से उनके नाम याद करता है, तो कोई कहानी के रूप में याद करता है, कोई ट्रिक से याद करता है, तो जानकारी का संकेतीकरण करना, एनकोडिंग करना ये है क्या, यह सूचना पर कार्य करना। तो मैं बताऊं आपको, स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है पूछा है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर बड़ा सरल है, संग्रहित करना में आप स्मृति का प्रयोग कर रहे हैं, जानकारी को अपने दिमाग में व्यवस्थित कर रहे हैं, एनकोडिंग कर रहे हैं, तब भी स्मृति का प्रयोग हो रहा है, पर उसकी सूचना पर आप कार्य करने लगे, अब आपका स्मृति वाला दिमाग यूज नहीं हो रहा है, अब एक्सेस मेमोरी काम कर रही है, जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय आप याद नहीं कर रहे हैं, जो आपको नॉर्मली याद है उस पर काम करने लगे। तो सूचना पर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप याद नहीं कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, और एक समय में एक ही कार्य होता है, इसलिए इसका उत्तर हिस्सा नहीं है, स्मृति का हिस्सा क्या नहीं है, कार्य करना स्मृति का हिस्सा नहीं है, बाकी ये प्राप्त करना, संग्रहित करना, उसको एनकोडिंग करना, ये सारी चीज़ें स्मृति की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसको समझने के लिए एक और चीज़ आती है, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये तीन चीज़ें चलती हैं, पहले उसको विजुलाइजेशन, फोनेटिक्स, फिर अंतिम है उसकी सीमेंटिक विधि से अर्थ को समझना, ये उससे भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आज 20 प्रश्न हमने देखे, 20 में से आपसे कितने बने हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पुण्य का काम करें, थोड़ा फॉरवर्ड करें। आज के लिए धन्यवाद।